क्या मुंह से करना समाधान देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, ऑर्गेजम देता है, क्या होता है ये, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुंह से करना या ओरल सेक्स जिसको बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम है। जैसा कनिलिंगस है, कनिलिंगस मतलब जब फीमेल मेल का सेक्स ऑर्गन अपने मुंह में लेती है और मुंह से करती है तो उसको कनिलिंगस बोलते हैं। फेलोशियो बोलते हैं जब मेल मतलब पुरुष योनिलिंग को मुंह से करता है, एक्साइट या चाटता है, तो उसको फेलेशियो बोलते हैं। और जब एनिलिंगस बोलते हैं तब कि भाई एनिलिंगस में होता है कि भाई गुदद्वार जो है गुदद्वार को मुंह से एक्साइट कर। तो इसके मतलब ऐसा हो गया कि ओरल सेक्स क्या है कि माउथ और टंग, मुंह से या टंग से, जीभ से, जिह्वा से प्लेजर देना सामने वाले पार्टी को या सामने वाले पार्टनर को। एक तो प्लेजर देना या प्लेजर लेना, इसको बोलते हैं ओरल सेक्स। अब ओरल सेक्स को ब्लो जॉब भी बोलते हैं। ब्लो जॉब मतलब मेल का जब ऑर्गन फीमेल लेती है अपने मुंह में तो उसको ब्लो जॉब भी बोलते हैं। कोई लोग उसको कम डाउन भी बोलते हैं, कोई लोग ओरल इंटरकोर्स बोलते हैं। तो ऐसे अलग 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 उसके नाम हैं। अमेरिकन स्टडी के अनुसार 85% पुरुष और 83-84% लेडीज ओरल सेक्स करती है और ओरल सेक्स में उनको मजा आता है। मतलब करीब करीब आंकड़ा सेम है। और ये भी स्टडी में पाया गया, 1008 अमेरिकन लोगों का जब इंटरव्यू लिया तो ये स्टडी में पाया गया कि वो पांच बार महीने में, करीब करीब पांच बार महीने में वो ओरल सेक्स करते हैं, पांच बार। और जो लेस्बियन थी मतलब फीमेल होमोसेक्सुअल जिसको लेस्बियन बोलते हैं, उनका ओरल सेक्स करने का जो था वो करीब करीब 9 या 10 बार एक महीने में था। इसके मतलब ये हो गया कि जो होमोसेक्सुअल्स है वो ओरल सेक्स ज़्यादा बार करते हैं और जो हेटरोसेक्सुअल है वो ओरल सेक्स कम बार करते हैं। मतलब बहुत लोगों ने स्टडीज के करीब करीब सभी लोगों ने ये बोला कि ओरल सेक्स के बाद में हमने इंटरकोर्स किया, वजाइनल इंटरकोर्स किया, वजाइनल सेक्स किया। इसका मतलब ऐसा हो गया कि ओरल सेक्स उन्होंने एक फोरप्ले की तरह वापर लिया या उसका इस्तेमाल किया। 22-30% लोगों ने बोला कि फोरप्ले में हमारा समाधान हुआ और हमको आगे जाने का काम ही नहीं पड़ा। मगर मेजॉरिटी लोगों ने यह बोला कि ओरल सेक्स करने के बाद में हमने वजाइनल इंटरकोर्स किया तो उनको काम पड़ा। मतलब उन्होंने ओरल सेक्स एज ए फोरप्ले करके उसका वापर कर लिया, इतने उसका फर्क है। तो इन शॉर्ट क्या है कि ओरल सेक्स का लोग फोरप्ले करके वापर करते हैं, एक दूसरे को एक्साइट करने के लिए वापरते रहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओरल सेक्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं यदि कोई भी पार्टनर अफेक्टेड है तो। जैसे इन्फेक्शंस लाइक क्लेमाइडिया, गनोरिया, हर्पीज, पेपिलोमा वायरस, इनके इन्फेक्शन हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, मतलब पेशाब के मूत्र मार्ग में यदि इन्फेक्शन है तो ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। ओरल सेक्स करने के समय यदि सेम पार्टनर आपका है, हर बार सेम पार्टनर से ही आपका सेक्स हो रहा है तो फिर हो सकता है कि कंडोम पहनने की जरूरत नहीं होगी। मगर यदि आपका डिफरेंट पार्टनर है, नया पार्टनर, तो कंडोम पहनना ही चाहिए। और ऐसे में लोग बहुत बार पूछते हैं कि वो उनको गंदा लगता है, प्रीकम बाहर आता है, फिर वो मुंह में जाता है तो अच्छा लगता नहीं है। तो फिर उनके लिए है कि भाई उन्होंने फ्लेवर कंडोम का वापर करो। फ्लेवर कंडोम वापरते हैं तो डेफिनेटली कुछ बाहर आएगा तभी औरत को तकलीफ नहीं होगी उसमें, और वो ओरल सेक्स अच्छा तरह से फ्रिक्शन कर सकेंगी और खुद भी एंजॉय करेंगी और पुरुष को भी एंजॉय करने देंगी या उसको मजा आएगा। पुरुष को जब ओरल सेक्स करना है तो उसने भी कंडोम का वापर करना है, जिसको डेंटल डैम बोलते हैं, डेंटल डैम। और डेंटल डैम आप खुद तैयार कर सकते हैं निरोध से, उसको बीच में से काट के उसको फैला के डेंटल डैम तैयार करना और ओरल सेक्स करना। ओरल सेक्स जब पुरुष स्त्री के लिए करता है तो वो अपने टंग से या अपने मुँह से योनिलिंग को स्टिमुलेट करता है, चाटता है, और उसमें उसको मजा आता है। मगर डेंटल डैम रखना जरूरी है, ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। फिर लोग बोलते हैं कि जब ओरल सेक्स में वीर्य बाहर निकलता है तो उसको निगलना क्या या फेंकना क्या, अपना अपना चॉइस है। कुछ लोग निगलते हैं, कुछ लोग फेंक देते हैं, उसमें कोई अच्छा या बुरा उसमें कुछ होता नहीं है। ओरल सेक्स में क्या है कि दिन भर में आप
ने मतलब कपड़े चेंज नहीं किए होंगे, पसीना आता है तो बास आ सकती है, तो इसलिए ओरल सेक्स या वैसे भी सेक्स करने के पहले शावर लेना जरूरी है, बॉडी स्प्रे मारना है, हेयर रिमूव करना है, ताकि अपने पार्टनर को गंदगी ना लगे, नहीं तो फिर गंदगी लग सकती है उनको। तो ऐसा ओरल सेक्स कोई गलत नहीं है। ओरल सेक्स 85% लोगों ने बोला है कि उन्होंने ओरल सेक्स कभी ना कभी किया हुआ है। अब ओरल सेक्स के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, यदि आपकी फीमेल पार्टनर तैयार नहीं है या मेल पार्टनर तैयार नहीं, तो आपने फोर्स नहीं करना चाहिए, फोर्स करने से मज़ा आता नहीं है। तो फोर्स करते हैं तो कोई ज़बरदस्ती करके ना आपको मज़ा आएगा ना उसको, उसको आप कन्विंस कर सकते हैं, परसवेड कर सकते हैं, मना सकते हैं, ताकि वो करेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम गंदा लगता है करके करते नहीं है, तो बेस्ट ये है कि कंडोम पहन लो, ताकि स्त्री को कोई गंदा लगेगा नहीं, क्योंकि जब प्रीकम आता है तो उसको अच्छा लगता नहीं है, और टेस्ट अच्छा लगता नहीं है, मुंह में लेना अच्छा लगता नहीं है। बाकी तो सब नॉर्मल है, ओरल सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओरल सेक्स इज ए पार्ट ऑफ सेक्स। ओरल सेक्स कब करते और जब मेंस्ट्रुएशन चालू है तो रूटीन वजाइनल सेक्स नहीं कर पाते, प्रेगनेंसी है और फिर डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो ओरल सेक्स नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई पूरा हमको टाइम मिलता नहीं है या प्रायोरिटी मिलती नहीं है, तो कभी भी आप कोई भी कोने में जाके यदि आप मतलब कपड़े नीचे कर देते हैं तो ओरल सेक्स पॉसिबल है, और वो कोई भी छोटी जगह पे बिना लेटे भी ओरल सेक्स खड़े खड़े भी कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ टाइम नहीं है या जगह नहीं है तो वहाँ भी ओरल सेक्स हो सकता है। ओरल सेक्स ये नॉर्मल नेचुरल फेनोमेना है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा लगा वीडियो, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।